असील की मुर्गी को जैसे मैं आज अंडे बिठाने वाला हूँ, अपना वीडियो पूरी लास्ट तक देखो। यहाँ पे देखो इन्हें दाने को छोड़ा मैं इसको, अपन अंडे जमा देंगे। पहले कढ़ाई ले लेना ऐसी, उसके नीचे जो उसको बारीक रेती डाल देना या तो घास डाल देना, उसके बाद में पूरे अंडे रख देना। थोड़ा इसको पहले हरा पत्ता डाल लेंगे जब तक हल्के, ये पूरे जैसे टोटल 9 अंडे है देखो, इसमें से जो जैसे देसी मुर्गी के बाकी पर ऐसे निकले। ये पहले गंपा में अंदर रख देता हूँ क्योंकि वो तो रखने नहीं आता, फिर अंडे रख दिए तो जमा के। अब खुद अंदर जाती देखो, चल उन्हें जाके खुद अंडे सेट कर लेके बैठ जाती। अंडे घोल रही देखो अच्छा। और असील की मुर्गियां बहुत कम निकालते बच्चे, और मैं फर्स्ट टाइम जैसे बिठा रहा हूँ असील की मुर्गी को, देखेंगे बच्चे निकालते या नहीं निकालते। और बच्चे देखो 21 डेज के बाद में निकलते अंडे बिठाए बाद में, 21 दिन के बाद में निकलते। और इसको डेली का डेली जैसे छोड़ देना बाहर दाने के वास्ते, और हल्की गिजा देना खाने में, जवारी बाजरा नहीं देना, घेहूँ देना भिगा के, खाना भी डाल सकते हैं सालन मिला के थोड़ा थोड़ा डालना, और धूप में एक बार छोड़ना इसको डेली। थोड़े लोग 2-3 दिन में एक बार छोड़ते, ऐसा नहीं छोड़ना, जितना हो सके उतना डेली छोड़ दिया तो अच्छा रहता। नहीं तो जुआ आने के चांसेस रहते हैं, कंटिन्यू अगर बैठी हुई रही थी। इंशाल्लाह बच्चे निकले बाद में आप लोगों को बताता हूँ। बर्ड्स को भी डाल दिया देखो थोड़ी बहुत में, ला भी बहुत शौक से खाते हैं। हफ्ते में एक बार जैसे कोथमीर डालना है ना, अगर डाइजेशन में कुछ भी मसला रहा तो क्लियर हो जाता। Oh.